नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति कक्षा दसवीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम प्रश्नमाला 9.1 के कुछ मुख्य प्रश्नों का जिक्र करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों आज हम ये प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपने इससे पहले जो हम वीडियो लेकर आए थे यानी दूरी ज्ञात करने के लिए जो मैं सूत्र निर्माण के लिए जो वीडियो लेकर आए थे वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को पहले जरूर देखें क्योंकि दूरी के लिए सूत्र का निर्माण कैसे हुआ अगर वो आपने ज्ञात कर लिया तो फिर दूरी ज्ञात करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है कि ये जो दो बिंदु दिए गए इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है और दूरी ज्ञात करने के लिए वापस ले ले बिंदु, जो बिंदु प्रश्न में है वही बिंदु ले लिए, दूरी के लिए लगाएंगे दूरी सूत्र जैसा हमने आपको समझाया था। तो दूरी सूत्र क्या था, कुछ भी नहीं करना, x वाले में से x वाला घटाओ फिर स्क्वायर प्लस लगाएं, y वाले में से y वाला घटा दे फिर स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया हमने। अब रखते हैं मान, सीधा मान रखने के लिए क्या करना है आपको देखिए, ये लगाया x1 का मान चाहिए। ध्यान रखें ये जो 1 लिखा है x1, ये y1, तो ये ध्यान रखें ये जो नंबर एक लगाया गया है वो आपको इस पहले बिंदु में ही मिलेगा, हमेशा याद रखें नंबर एक वाले पहले बिंदु में और नंबर दो वाले ये मिलेंगे आपको दूसरे बिंदु में। तो चलिए हमें चाहिए x1 यानी x का मान चाहिए और वो भी इस नंबर एक वाले बिंदु में, तो ये x का मान लिखेंगे माइनस का एक, फिर क्या लगाएंगे माइनस। अब हमें चाहिए x2 तो वो अगले बिंदु में x का मान क्या है 8, वापस क्या लगाएंगे इसके ऊपर स्क्वायर फिर प्लस ये कोष्टक। अब हमें चाहिए y1 का मान, y1 का मान देखिए कितना है, y1 है पहले बिंदु के अंदर y का मान यानी माइनस एक, फिर सूत्र में क्या है माइनस। अब ध्यान से देखिएगा अब हमें y2 की जरूरत, y2 यानी दूसरे बिंदु में y का मान, लेकिन देखिए ये जो माइनस है वो सूत्र का माइनस, आगे जो संख्या आई वो भी माइनस की, जब भी ऐसा हो यानी कि माइनस आया उसके बाद माइनस का और नंबर तो ध्यान रखें उस कंडीशन में कि वो डबल माइनस से बन जाएगा सीधा प्लस और क्या आ जाएगा दो। ध्यान रखें सूत्र में भी माइनस था, अगली संख्या में भी माइनस था, तो डबल माइनस बन गया प्लस। अब करेंगे होल स्क्वायर, इस पर भी लगाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, माइनस का एक और माइनस का आठ माइनस के नौ, माइनस का ही एक है माइनस के ही आठ है तो माइनस के नौ, ये नहीं कहना है कि प्लस के, लेकिन जैसे ही जुड़ने के बाद स्क्वायर करेंगे नौ का वो हो जाएगा 81। और ध्यान रखें कि माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वो हमेशा प्लस का हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है प्लस, ये लगाया प्लस हमने, माइनस का एक प्लस का दो कभी नहीं जुड़ सकता, दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे, लेकिन एक माइनस का और एक प्लस का हो तो ऐसी कंडीशन में ये देखना है कि माइनस का यदि निकल रहा है तो उसको निकालो उत्तर बचेगा प्लस का, यदि प्लस वाला निकल रहा है तो प्लस वाला निकालो उत्तर बचेगा माइनस का। तो माइनस का कितना है एक, प्लस के कितने हैं दो, तो ये माइनस वाला एक तो निकलेगा, प्लस का बचेगा एक, उसका वर्ग कर देंगे दो हो जाएगा कितना, एक का वर्ग एक ही होता है कंडीशन में, ध्यान रखें, और ये नहीं कि एक का वर्ग दो लिख दिया, दो नहीं होता, एक का वर्ग एक ही होता है। तो ये हो गया 81 और एक, ये कितने हो गए 82, फिर 82 पे क्या लगाया हमने स्क्वायर सॉरी रूट लगाया, 82 का रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि 82 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है। ध्यान रखें जब किसी का वर्ग प्राप्त हो तो रूट निकाल दे, 144 आ गया यहाँ पे 81 होता तो निकाल देते क्योंकि 81 के रूट कितना होता है 9, निकाल सकते थे लेकिन ऐसा नहीं आया। तो अब हम इसमें आगे गया तो कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा क्या लगाएंगे मात्रक, और ये हो गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र लगाया मान रखा सरल किया ये हो गया। अगर वर्ग संख्या आए तो रूट रूट निकालो, अगर वर्ग संख्या नहीं आती है तो रूट निकालने की जरूरत नहीं, यही इसका उत्तर है। तो दूरी हो गई इन दोनों के बीच की रूट 82 मात्रक। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को क्योंकि उसमें यहां संख्याएं लिखी है ना, यहां पे संख्याओं की जगह पे चर आ गए, वो भी कितने दो दो तीन तीन चर, तो अब इनके लिए हम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न करते हैं
इनके बीच में भी दूरी ही ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले दूरी सूत्र ध्यान रखें। आपको ये नहीं देखना है कि हमने पहले प्रश्न में दूरी का सूत्र लिख दिया है, दूसरे में क्यों लिख रहे हैं, नहीं। जब भी प्रश्न अलग से आता है आपको हर प्रश्न में दूरी सूत्र जरूर लिखना है, क्योंकि विधि के अंदर उसको भी शामिल किया गया है और आपको विधि के भी अंक मिलते हैं परीक्षा के अंदर, इसलिए ध्यान रखें। सबसे पहले दूरी सूत्र रखेंगे तो ये लगाया रूट, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, आपको सीधा एक्स वाले में से एक्स वाला घटाएंगे और इसमें वाई वाले में से वाई टू घटा देंगे, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, बीच में आ जाएगा प्लस, हो गया दूरी का सूत्र। फिर क्या करना, अब रखेंगे मान, ये लगाया हमने वापस रूट, अब रखते हैं एक्स वन, वन मैंने बताया पहले बिंदु में मिलेगा एक्स का वन वाई का वन, फिर इसमें एक्स का टू वाई का टू, तो एक्स वन चाहिए हमें, तो एक्स वन कौन है, ये रखेंगे ए टी वन, ऊपर क्या लगा इसके ऊपर, खुद के ऊपर स्क्वायर है तो लग दो, जैसा मान है वैसा लिखेंगे, आगे क्या लिखा है माइनस। अब हमें चाहिए एक्स टू, ये रहा एक्स टू, ए टी टू स्क्वायर, जो इसका मान था वो रखा है सूत्र के अंदर, क्या है कि पूरे के ऊपर स्क्वायर, तो वो लिखना ही पड़ेगा, ये सूत्र के अंदर है तो हम सूत्र के अंदर रखेंगे। फिर क्या लिखेंगे आगे प्लस, वापस शुरू करते हैं वाई वन, वाई वन ये रहा 281 जो है वो रखा, फिर क्या है माइनस, वाई टू कितना है 282, तो फिर ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, जैसा मान है वैसा ही रखना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए संख्या होती तो इस तरह से अभी पहले प्रश्न में की थी ना, अभी जोड़ बाकी की, ये सरल हो गया, 81 आ गए या एक आ गया, जोड़ दिए 82 हो गया, उत्तर हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं हो रहा, देखिए ये 81 और ये ए टी टू, ये टी वन और टी टू की वजह से इनकी जोड़ और बाकी नहीं, टी वन टी टू, हाँ टी वन टी टू, जोड़ बाकी नहीं हो रही है टी वन और टी टू की वजह से। यहाँ पे देखिए वही रगड़ा, टी वन यहाँ पे, टी टू यहाँ पे, जोड़ बाकी नहीं कर सकते, बाकी देखो टू ए इसमें है, टू ए इसमें है, ये ए कोई दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन टी वन टी टू जोड़ बाकी करने नहीं दे रहा, और टी वन टी टू तो जोड़ बाकी करने नहीं दे रहा, अब क्या करें, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें कोई सरसमीका जो होगा वो करेंगे, अपनी कोशिश जैसी है वैसी हम करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और होता क्या है, देखिए जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, यदि मैं इस ए को कॉमन निकाल दूँ, ध्यान रखें दोनों में समान है ना, तो मैं इस ए को क्या निकाल दूँ कॉमन, तो ध्यान रखिएगा ये जैसे ही ए कॉमन बाहर आएगा, इस ए पे कोई घात नहीं, इस ए पे भी कोई घात नहीं, लेकिन पूरे के ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर, और जो कॉमन निकलने के बाद में यहाँ गुणा में जाएगा उस पर ये जो पूरे के ऊपर घात लिखी है ना वो इसके ऊपर भी लिखी जाएगी, जो बचेगा उसके ऊपर भी लिखी जाएगी। तो अब क्या बचेगा, ये टी वन का स्क्वायर माइनस टी टू का स्क्वायर, और ये तो होल स्क्वायर, इस पे है ही कोई दिक्कत नहीं, जो बाहर निकला ना ए, आप कहोगे सर ए के ऊपर स्क्वायर आया कहाँ से, तो जो कॉमन निकला वो गुणा में, और इसके ऊपर क्या था ये स्क्वायर, और गुणा में कोई संख्या बाहर निकले तो पूरे के ऊपर जो स्क्वायर लगा है वो उस पर भी आएगा, जो बचा उस पर भी आएगा स्क्वायर, हो गया। आगे देखिए इसी प्रकार इसमें भी करते हैं, कोई इसमें भी टू ए, टू ए क्या निकल जाएगा कॉमन, जैसे ही टू ए कॉमन निकलेगा इसके पूरे के ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर, तो वो स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोष्टक लगाया नहीं, या ए अकेला था स्क्वायर लगाया काम हो गया, यहाँ पे जो कॉमन निकालना वो 2a है, तो केवल a पे थोड़ी स्क्वायर लगाना है, जो बाहर निकाला उसके पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना है, जो बच गया वो लिखिए, तो t1 माइनस टी टू का होल स्क्वायर, जो बचा वो लिखा, जो निकल गया सो निकल गया। अब चलिए सरल करते हैं थोड़ा और, यहाँ देखिए ये a का स्क्वायर है, क्या सरल करेंगे इसे, लेकिन यहाँ देखिए इस पूरे के ऊपर क्या लगाया होल स्क्वायर, और अंदर भी क्या है इनका अलग अलग स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, जब कोई दो नंबर ऐसे हो कि यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, बीच में माइनस, ध्यान से सुनिएगा, जब इस तरफ भी हो स्क्वायर, इस तरफ भी हो स्क्वायर, अलग अलग संख्या पे और बीच में क्या आ जाए माइनस, मैं केवल ये अंदर वाली बता रहा हूँ दोस्तों, ये अंदर वाली में क्या लग रही है, कोई सरसमीका लग रही है, जब भी इस तरफ स्क्वायर, बीच में माइनस, तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, स्क्वायर को हटाना है और इसके सीधे दो कोष्टक आएंगे, ये है गुणनखंड, सर्वसमिका से गुणनखंड कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी देखिए दोनों पे स्क्वायर है, बीच में क्या आ गया माइनस, तभी ये बन गई क्या सर्वसमिका, और इनके हम करेंगे गुणनखंड। कारण बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इस पे देखिए टी वन पे स्क्वायर है, टी टू पे स्क्वायर है, यहाँ देखिए टी वन और टी टू के अलग 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 स्क्वायर नहीं है ना, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि प्रश्न को हम सरल कर सके, दोनों में समानता होगी तो प्रश्नों को सरल करने में आसानी होगी। तो स्क्वायर हटाया, वही अंदर वाली संख्या एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ आते हैं इस सरसमीका का प्रयोग करते हैं, कोष्ठक के अंदर क्या होगा कि जो अंदर है उसका स्क्वायर हटेगा, अलग अलग स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर जो स्क्वायर है वो नहीं हटेगा,
रहेगा, ध्यान रखे दोस्तों। तो टी वन माइनस टी टू और एक बार कर देंगे टी वन प्लस टी टू। अब ध्यान रखिएगा, ये हमने जो सरसमिका लगाई है केवल कौन सी लगाई, अंदर वाली होगी दो बार। अभी वही चीज जो गुणा में टूटा, यदि पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो वो स्क्वायर सब पे जाएगा, ये चलिए इन सब पर चला गया। इसको मैंने सरल किया दो बार आगे, एक बार माइनस में आ गया, एक बार प्लस में आ गया, अंदर वाले स्क्वायर हट गए सरसमीकरण की वजह से, लेकिन पूरे के ऊपर जो स्क्वायर लगा है वो गुणा में आए तो सबके ऊपर लग जाएगा, फिर आगे क्या है प्लस। इसको सरल करते हैं, स्क्वायर करेंगे इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो चार हो गया दो का और ए का हो गया ए स्क्वायर। वापिस यहाँ पे क्या है टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर क्या लगा है रूट, ये रूट लगाया वापस। अब क्या करें, अब देखिए हमने जितना सरल करना था उतना इसको सरल कर दिया, जितना इसको सरल करना था उतना इसको सरल कर दिया, यह होल स्क्वायर लगा के हमें सरसमीका करके गुणा भाग कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब हमें करना क्या है, ये पूरे तीनों के तीनों किस में गुणा में, ये दोनों गुणा में, अब इसमें और इसमें कोई समान दिखे तो पूरे में से क्या निकालेंगे कॉमन। तो देखिए इसके अंदर पूरे के अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या है ए स्क्वायर, इसके अंदर भी क्या है ए स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर इसमें भी है, टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर इसमें भी है, अब जो है वो सब क्या निकालेंगे कॉमन। तो सबसे पहले हमने किसको कॉमन निकाला ए स्क्वायर को, फिर टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर इसमें, टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर इसमें, ये भी निकालेंगे कॉमन। अब देखिए क्या इस पहले में और दूसरे में और कोई समानता नहीं है, तो जो बचा वो सीधा रखेंगे कोष्टक में, ये जरूर ध्यान रखें। एक बार आप लिख दिया जो बच गया वो सीधा किसमें लिखेंगे कोष्टक में। अब ये तो चला गया कॉमन, ये भी चला गया कॉमन, बचा क्या T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर ये बचा, फिर क्या बचा प्लस ए स्क्वायर चला गया बाहर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर ये भी चला गया बाहर, बचा क्या केवल चार, चार बचा वो सीधा इस कोष्टक के अंदर और रूट तो इस पे लगा हुआ है ही। ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी तक हमने रूट को नहीं हटाया है, ध्यान रखें रूट हटाना भी नहीं है, क्योंकि अभी तक जब ये जोड़ बाकी में इस प्रकार से पड़े रहेंगे ना पूरे, देखिए ये भी अलग पड़ा है ये अलग पड़ा, बीच में देखिए ये जो प्लस है वो खुला है अभी तक, वो किसी में बंद नहीं है, प्लस खुला पड़ा है तो हम रूट को हटा नहीं सकते। लेकिन अब देखिए ये लिखा यहाँ गुणा, ये पूरा कोष्टक फिर गुणा, और ये भी पूरा कोष्टक के अंदर बंद है, जो कॉमन निकालने के बाद जो बचता है ना वो भी हमेशा कोष्टक में बंद करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये फिर ये और फिर ये पूरा का पूरा सब किस में है गुणा में, अब खुले में कोई प्लस नहीं, देखिए ये प्लस है ना, अब ये भी किस में बंद है कोष्टक के अंदर, तो अब सब गुणा में ना, तो अब इसका हम अंडर रूट जिसका हटता है उसका हम हटा सकते हैं। देखिए कैसे, ए के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, पूरे पे क्या लगा है रूट, तो ये अपना स्क्वायर और रूट काट देगा और बचेगा क्या ए, अपना स्क्वायर रूट कट जाएगा केवल इसका, ये आया इसका भी रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा टी वन माइनस टी टू, बस स्क्वायर रूट कट गया। लेकिन यहाँ देखिए क्या इसमें पूरे के ऊपर स्क्वायर है, नहीं, आप कहोगे सर इसके ऊपर स्क्वायर ही तो हटा दो, नहीं, जब भी कोई नंबर इस प्रकार स्क्वायर का हो उसके साथ प्लस या माइनस में कोई नंबर आ जाए लेकिन पूरे पे स्क्वायर ना हो तो उसका स्क्वायर रूट नहीं कटेगा, यानी वो वापस किस में लिखेंगे रूट में ही रखेंगे, ध्यान रखें दोस्तों। अब रूट में रख देते क्या टी वन प्लस टी टू का ये होल स्क्वायर प्लस चार, जितना बार आया वो लिखा, जो अंदर था वो अंदर लिख दिया है। अब इसे और सरल करोगे तो भी सही होगा, नहीं सरल करेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि ये देखिए ए टी वन माइनस टी टू क्या सरल करेंगे इसको, ये तो ऐसे कैसे लिखें, तो ए ये टी वन माइनस टी टू कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर अगर हम चाहें तो इसको हम सरल करने के लिए और सरसमीका खोल सकते हैं, यहाँ पर तब कोई सरसमीका है नहीं, या खोलना चाहो तो खोल सकते हैं हम T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, तो खोलेंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर, ये सरसमीका है पहली, जो सरसमीका हम पहले बता चुके हैं आपको हमारी वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा हमारी वीडियो। तो यहाँ पे खोलते हैं तो क्या होगा, पहले का हो जाएगा स्क्वायर, ये रखा पहले का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दूसरे का हो जाएगा स्क्वायर, ये इसका भी कर दें स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दोनों का गुणा और डबल, यानी टी वन और टी टू का गुणा और फिर वो हो जाएगा कैसा डबल, ये सरसमीका है, और फिर प्लस में क्या आया चार। अगर आप इस सरसमीका को लगाकर नहीं भी खोलते तो भी सही होता, क्योंकि जैसे हमने सरसमीका लगा खोला फायदा क्या हुआ, खुल तो गई सरसमीका लेकिन ये चार अलग था, क्या वो किसी में जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि सब में टी वन है, किसी में टी टू है, किसी में टी वन टी टू दोनों हैं, प्लस में चार आया, जुड़ने वाला या घटने वाला नहीं है, तो यही अपना अंतिम उत्तर है, इसको हम बाहर ला नहीं सकते क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर है नहीं, तो यही अपना अंतिम उत्तर है, इसके पीछे लिख देंगे मात्रक और ये हो गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आप
यहाँ तक ही रखते तो भी आपका उत्तर सही होता, क्योंकि यहाँ पे फिर जोड़ बाकी करने से कोई मतलब नहीं, ना जोड़ बाकी हो रही है, खोलेंगे तो फिर खोने का फायदा कुछ भी नहीं हुआ, तो यही इसकी दूरी हो गई है। दोस्तों आज की वीडियो तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।